दलाई लामा का मतलब होता है समुद्र की तरह गहरा, यानी बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु। और दलाई लामा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिस्ट माने जाते हैं। दलाई लामा तिब्बतन के आध्यात्मिक गुरु हैं और पूरी दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं में से एक माने जाते हैं। तिब्बतन मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पूर्ण जन्म है। यही कारण है कि उन्हें भगवान और राजा दोनों माना जाता है। तिब्बत में बुद्धिज्म की चार शाखाएं हैं, न्यांगमा, कग्यू, सक्या और गेलगू। दलाई लामा इनमें से गेलगू शाखा के मुखिया हैं। लेकिन गेलगू समुदाय हमेशा से ही महत्वपूर्ण समुदाय नहीं था। पांचवें दलाई लामा लोबसेंग गेस्टो ने मंगोल सम्राट घुसरी के मदद से पूरे तिब्बत पे अपना राज्य जमाया था और इसी समय गेलगू समुदाय की महत्वपूर्णता बढ़ी थी। इसी समय दलाई लामा के टाइटल से इन लामा को नवाजा गया था और इनके पहले दो गुरुओं को उनके मृत्यु के बाद दलाई लामा का खिताब दिया गया था। इस तरह से अगर पहले गुरु से गिनना शुरू करें तो दलाई लामा का वंश 1391 से तिब्बत में शुरू हुआ था। दलाई लामा ने तिब्बत पर 1950 तक राज किया। उसके बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस वजह से दलाई लामा को भारत में आके शरण लेनी पड़ी। लेकिन आज भी तिब्बतियंस दलाई लामा को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। दलाई लामा की जो चुनने की प्रक्रिया थी वो बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय है। कहते हैं कि हर दलाई लामा अपने से पहले रहे दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सारे दलाई लामाज में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा की आत्मा है। किसी के पुराने जन्म से उसको पहचानने का चलन बुद्धिज्म में गौतम के समय से ही चला आ रहा है। बुद्धिज्म में ये समझाया गया है कि कैसे उनके पिछले जन्म का कर्म उनके इस जीवन को प्रभावित करता है। भारत में बुद्ध के बाद आए कई गुरुओं ने पुनर्जन्म के बारे में बताया है, लेकिन किसी को उसके पुनर्जन्म से जोड़कर उसको ढूंढने का ये काम पहली बार तिब्बत में हुआ था। हर दलाई लामा अपने जिंदा रहते ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कहाँ किस जगह पे दोबारा पैदा होंगे। ये सुराग देने के लिए वो एक लंबी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं जिसे उनके मृत्यु के बाद खोला जाता है। फिर नेचुंग नाम के भविष्य पढ़ने वाले से पूछकर ये तलाश शुरू की जाती है। इस तलाश में सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि नए दलाई लामा को ढूंढना कहाँ पे है। अगर पुराने दलाई लामा का दाह संस्कार किया गया होता है तो उस चिता से निकले धुआं के दिशा से भी इसका एक संकेत माना जाता है। समुदाय के बड़े लोग उस जगह या उस दिशा में जाके दलाई लामा के मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चों से मिलते हैं। इन बच्चों को पिछले दलाई लामा से जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखाई जाती है और जो बच्चा उस चीज को अच्छे तरह से पहचान जाता है उसको अगला दलाई लामा मान लिया जाता है। उस बच्चे को फिर मॉनेस्ट्री लेके आया जाता है। वहाँ उसकी देखरेख की जाती है, उन्हें ज्ञान शिक्षा दी जाती है। इस तलाश की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। शुरुआती दौर में ये तलाश सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित रहती थी। हालांकि तीसरे दलाई लामा तुलुकु के मंगोलिया में ढूंढे गए थे। छठवें दलाई लामा के पहचान के समय विवाद खड़ा हो गया था। इसी कारण से उस समय के क्वेंग डायनेस्टी ने सोने के कलश में शॉर्टलिस्टेड हुए बच्चों के नाम डाल के लॉटरी से दलाई लामा का चयन शुरू किया। लेकिन ये विधि ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तेंजिंग गायस्टो जो कि 14वें दलाई लामा है, उन्हें ढूंढने में 4 साल लगे थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था और उनको दलाई लामा की गद्दी 1940 में मिली। तेंजिंग गायस्टो ने 1959 के चाइना आक्रमण के बाद भारत में आके शरण ली थी। उस समय डर ये था कि उन्हें तिब्बत में रहने पर मार दिया जाएगा। तब से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नाम के जगह पर दलाई लामा रहते हैं, जिनको 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये प्राइज उन्हें अहिंसा से अपने मातृभूमि के आजादी के लिए लड़ते रहने पर मिला था। दलाई लामा के ये पुनर्जन्म का जो प्रक्रिया है वो दलाई लामा के मर्जी से ही होता है। इसमें कोई सरकार का जोर नहीं होता। दलाई लामा आज भी तिब्बत के लिए भगवान की तरह है। वो तिब्बतन के दुख दर्द को पूरे दुनिया से बांटते हैं। दलाई लामा तिब्बतन कल्चर और हेरिटेज को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। दलाई लामा अपने हर उपदेश में हमेशा करुणा, अहिंसा और जिम्मेदारी की पाठ पढ़ाए हैं। बुद्धिस्ट के अलावा उन्हें और भी सारे धर्मों के लोग उन्हें प्यार और इज्जत देते हैं।
तो ये थी सच्चाई दलाई लामा की। और भी हिंदू संस्कृति और परंपरा के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्त और परिवार में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी दलाई लामा के सच्चाई से वाकिफ हो सकें। अगर आपके पास कोई सुझाव या जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी नई वीडियो में मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।